हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज मिस अमदीप कौर। सो लेट्स डू सब्जेक्ट ईयर्स ऑफ क्लास 5th, चैप्टर 20, अर्थ टू स्काई। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल आफ्टर समर वेकेशन। गगन वॉज वेरी सैड। टीचर आस्क्ड हिम द रीजन एंड द गगन रिप्लाइड दैट व्हाइल ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ही सॉ अ बोर्ड एट द बस स्टैंड विच रीड, इफ वी डू नॉट यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली दे वुड सून फिनिश। द टीचर सैड, यस गगन, दिस इज राइट, पेट्रोल एंड डीजल रिजर्व्स आर लिमिटेड, रियली दे वुड फिनिश वन डे, बट इफ वी यूज दैम वाइजली वी विल डेफिनेटली बी एबल टू यूज दैम फॉर लॉन्ग। गर्मी की छुट्टियों के बाद ये पहला दिन था। गगन बहुत सैड था। जब टीचर ने उसे रीजन पूछा तो उसने बताया कि वो अपने मदर के पेरेंट्स के घर पे आ रहा था, तो वहां पे उसने बस में एक बोर्ड देखा बस स्टैंड पे, जिस पे लिखा था कि अगर पेट्रोल और डीजल का हम गलत यूज करेंगे, ज्यादा ओवर यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। तो टीचर ने बताया ये बात सही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल है रिजर्व्स है, ये लिमिटेड है, ये खत्म हो सकते हैं, इन्हें हम वापस नहीं पा सकते। अगर एक बार खत्म हो गए तो हमें इनको लिमिट में यूज करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, गगन आस्क्ड, माय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन पठानकोट, इट इज क्वाइट फार फ्रॉम हियर, सर हाउ वुड आई रीच आउट द बस। तो उसने बोला कि मेरे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो पठानकोट में रहते हैं, वहां मैं कैसे पहुंच पाऊंगा बिना बस के। एज सुन एज गगन स्टॉप्ड आस्किंग, जैसे ही गगन ने बोलना बंद किया, प्रभजोत सैड, प्रभजोत ने बोला, सर माय फादर डेली गोज टू सिटी फॉर वर्क, हाउ विल ही गो देयर। मेरे फादर डेली सिटी में जाते हैं वर्क के लिए, शहर में जाते हैं, वहां कैसे जा पाएंगे अगर वो कोई व्हीकल यूज नहीं करेंगे। गगन लिव्स इन मोहाली एंड हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर इन पठानकोट, ही गोज बाय बस टू मीट देम। गगन मोहाली में रहता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया था पठानकोट में बस के द्वारा। अब ये एक टेबल है, इसको आप खुद ही कंप्लीट करना है कि कौन सा आप कहाँ पे रहते हो और कौन सा आपका डेस्टिनेशन है और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप वहां पे गए हैं। टीचर सेड, चिल्ड्रन, नॉट ओनली पेट्रोल एंड डीजल बट देर आर सम अदर सोर्सेस ऑल्सो विच वुड बी डिप्लेटेड, लाइक कोल, कुकिंग गैस एक्सेट्रा, राइट। कुछ और भी ऐसे सोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कि कोल और कुकिंग गैस। जो एलपीजी है वो एक कुकिंग गैस है, गॉट इट। लेट अस स्किप द एक्टिविटीज नाउ। हियर, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, बहुत साल पहले, एनिमल्स एंड ट्रीज गॉट ब्यूरीड अंडर द अर्थ विद द पैसेज ऑफ टाइम। दीज वर कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल, रॉक्स एंड स्टोन्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट ऑफ अर्थ एंड लैक ऑफ एयर। दोज ट्रीज एंड एनिमल्स गॉट ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेजुअली इनटू ऑयल, गैस एंड कोल। बहुत साल पहले क्या हुआ था, ट्रीज और एनिमल्स जो धरती के नीचे दब गए थे, उनके ऊपर एक लेयर चढ़ गई थी, एक परत चढ़ गई थी सॉइल और रॉक्स की और स्टोन्स की। तो वहां धरती के नीचे बहुत गर्मी, हीट और प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहां एयर नहीं पहुंच पाती है तो प्रेशर हाई था, उसकी वजह से वो सब कुछ कोल, गैस और डीजल वगैरह में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो ऐसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी थे जो वो ऐसे फॉर्म हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, ऑयल ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जो बहुत साल पहले ऐसे ही बने हैं, इनको बहुत टाइम लग गया बनने में, ठीक है। तो जितनी स्पीड से ये बने हैं, जितनी स्पीड से हम इनको यूज कर रहे हैं, फास्ट स्पीड से, तो हम जो इनको फॉर्म करना उतनी ही स्लो एक प्रोसेस है, इसके लिए हम इनको फॉर्म जल्दी से नहीं कर पाएंगे, जिससे ये फिनिश हो सकते हैं। एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके नेम लिखने हैं, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लिखे हुए हैं, जैसे कि स्कूटर, ये कौन से ऊपर वर्क करता है, पेट्रोल या डीजल, कौन से सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको यूज करके हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 1 लीटर में, तो वो हमें यहाँ पे राइट करना है। ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी भी ऐसी ही है, पेट्रोल है, उसके रेट्स लिखने हैं कि पर लीटर पेट्रोल का कितना रेट है, डीजल का, केरोसिन ऑयल और एलपीजी का। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, इसमें भी यही है कि एक मंथ में हम कितना पेट्रोल यूज करते हैं, कितना डीजल, केरोसिन, एलपीजी, कोल और वुड यूज करते हैं। सो लेट अस स्किप। Now we know that petrol or gas are consumed in means of transport. LPG, kerosene, oil, wood and coal are used in cooking. Cooking के लिए हम इन सबको use करते हैं। Burning of coal yields electricity. Coal के जलने से electricity produce होती है। Similarly, wood is used to make furniture for buildings as fuel. Overuse of these resources and ignorance not only puts burden on our financial resources but also pollutes our surroundings with poisonous gases. By using some other methods we can save not only money but also environment.
हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। अब देखो ये सारे सोर्सेज हैं, इनको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वुड को हम यूज़ करते हैं फर्नीचर और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अब हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इग्नोरेंस मीन्स अनजान होकर इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि इनको हम परचेज कर पाए, हमें मिलने में दिक्कत होगी ये सारी चीज़ें, राइट। तो इनको सेव करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, हम कैसे मनी बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी सेफ कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी पोल्यूट हो रहा है इसकी वजह से। सो हियर वी सी दैट सम पीपल कीप टॉकिंग और डूइंग समथिंग कीपिंग द व्हीकल्स ऑन लाइक स्कूटर मोटरसाइकिल कार ट्रैक्टर एक्सेट्रा। देर आर ट्रैफिक सिग्नल्स इन सिटीज, वी शुड टर्न द इंजन ऑफ व्हेन वी स्टॉप फॉर लॉन्ग एट रेड लाइट्स। अब क्या होता है, कुछ लोग गाड़ियां वगैरह रोक करके उनको चलते हैं, उनके इंजन ऑन होता है फिर भी लोगों से इधर उधर बातें करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो इंजन उनका चलता रहता है, तो ऐसे भी क्या होता है, वेस्टेज होता है, फ्यूल का वेस्टेज होता है, राइट। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गाड़ियों के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। गेट द व्हीकल सर्विस्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम टू डिक्रीज द फ्यूल कंजप्शन। अपने व्हीकल्स को सर्विस करवाना चाहिए ताकि फ्यूल वो कम कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट है, इफ पॉसिबल डू नॉट यूज योर व्हीकल वाइल गोइंग टू नियर बाय प्लेसेस। पास के प्लेसेस पे जाने के लिए आप अपना व्हीकल मत यूज कीजिए। इफ पॉसिबल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल होते हैं अपने व्हीकल्स, जैसे कि गाड़ियां कार वगैरह, जिनको आप अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन इसकी जगह पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि बसेस वगैरह, ऐसे क्या पोल्यूशन कम होगा। नाउ दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू सेव एलपीजी वुड एंड केरोसिन ऑयल। आंसर इज, एलपीजी वुड एंड केरोसिन ऑयल आर यूज्ड एज फ्यूल इन किचन। वी कैन यूज सोलर एनर्जी और अदर रिन्यूएबल सोर्सेस। मोर ओवर यूज ऑफ प्रेशर कुकर सेव्स एलपीजी वुड एंड केरोसिन। नाउ नेक्स्ट, इमेजिन यू आर गोइंग समवेयर एंड इंस्टेड ऑफ अबव थिंग्स इन द सराउंडिंग्स यू सी क्लाउड्स एवरीवेयर। हाउ वुड यू फील देन। लेट अस नो अबाउट इट फ्रॉम सुदीप। Let's first know about Sukhdeep. Sukhdeep is a pilot. She was born on 13 May 1986 in her maternal village, Maud. According to Sukhdeep's father, Sardar Randhir Singh, she wanted to be a pilot since her childhood. Whenever she was asked about her aim in life, she would say, I want to fly in the air. I will become a pilot. She used to wave her hand whenever any aeroplane flew over her house as if the pilot was watching her. इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास कोई भी चीजें नहीं है, लेकिन हर जगह क्लाउड्स हैं, बादल हैं, तो आपको कैसा लगेगा। अब हम सुखदीप से पूछते हैं, सुखदीप कौन थी। सुखदीप एक पायलट थी, उसका बर्थ हुआ था 13 मई 1986 को, उसका जो विलेज था मौड़ था, राइट। उसके फादर का नेम है रणधीर सिंह। जब भी उसको बचपन में पूछा जाता था कि वो क्या करना चाहती है लाइफ में, तो हमेशा बोलती थी कि मेरे को पायलट बनना है, राइट। और हमेशा वो एरोप्लेन को देख कर अपना हैंड वेव करती थी जैसे कि पायलट उसको देख रहा हो। She became a commercial pilot in 2009 and that time she was the first woman pilot instructor from Punjab. Sukhti was honored by the government and many other organizations. Her photographs and articles were published in many newspapers and magazines. 2009 mein Sukhti commercial pilot ban gayi thi. Wo pehli women pilot thi Punjab se. और उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा सम्मान मान दिया गया। उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स उसके न्यूज़पेपर में छपे थे और मैगजीन्स में। शी टोल्ड अबाउट हर फर्स्ट फ्लाइट व्हेन शी टुक प्लेस ऑन सितंबर 26, 2006। दिस वाज अ येलो कलर्ड पुष्पक। आई वॉज वेरी हैप्पी एट लास्ट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई अ प्लेन। आई वॉज हैप्पी एज माई चाइल्ड हुड ड्रीम वॉज फुलफिल्ड। पासिंग थ्रू द टनी व्हाइट क्लाउड्स वॉज लाइक अ ड्रीम। उसने अपनी पहली फ्लाइट के बारे में बताया जो 26 सितंबर 2006 को स्टार्ट हुई थी, और वो एक येलो कलर का पुष्पक था। वो बहुत हैप्पी थी कि उसका बचपन का सपना पूरा हो चुका था और व्हाइट क्लाउड्स में से गुजरना उसके लिए एक सपने जैसा था। व्हेन आई लुक्ड डाउन, जब मैंने नीचे देखा, आई कुड सी सम मैच बॉक्सेस लाइक थिंग्स एंड फार अवे अर्थ अपीयर टू बी कवर्ड विद अ ग्रीन शीट। आफ्टर सम टाइम्स वी लैंडेड ऑन द ग्राउंड। ऑल कंग्रेचुलेटेड मी ऑन कम्प्लीटिंग माई फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली। आई कुड नॉट हाइड माई इमोशंस। आई कॉल्ड अप माई मदर एंड फादर। दे वर ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी। देयर ट्रेमेंडस एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क हेल्प्ड मी अचीव माई अचीव। आई रिमेंबर वन माई फादर यूज टू वेक मी अप फॉर स्कूल। ही वुड से, गेट अप सुदीप, इट्स टाइम फॉर योर फ्लाइट। टूडे आई हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड माई फ्लाइट। येस वन थिंग मोर, आफ्टर सो मेनी फ्लाइट्स आई केम टू नो डैट दोज मैच boxes were actually houses of the people and green sheets on earth were actually rice fields. अब उसने अपनी पहली फ्लाइट के बारे में बताया कि उसको सारी चीजें बहुत ही अजीब लग
रही थी। उसको कुछ मैच बॉक्सेस दिखाई देते थे धरती पे, जब ऊपर से वो नीचे देखती थी उसको लगता था कि धरती ने ग्रीन शीट ओढ़ रखी है। और जब वो धरती पे लैंड किया, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को लैंड किया, तो सब उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे, उसकी पहली फ्लाइट सक्सेसफुल हुई। वो अपने इमोशंस कंट्रोल ना कर पाई, उसने अपने फादर और मदर को कॉल किया और वो भी बहुत हैप्पी थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी उसको पायलट बनाने के लिए। उसने बताया कि उसको काफी सारी फ्लाइट्स के बाद पता चला कि जो मैच बॉक्सेस थे वो लोगों के घर थे, और जो ग्रीन शीट्स उसको दिखाई देती थी वो राइस के फील्ड से। सुखदीप मदर मिसिस जितेंद्र कौर रिकॉल्ड ऑल डेज। सुखदीप वॉज वेरी हार्ड वर्किंग सिंस हर चाइल्डहुड। शी वुड स्टैंड फर्स्ट इन द स्टडीज स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। शी वॉज फेवरेट ऑफ ऑल द फैमिली। Family also supported her, but some people never liked her joining this profession. So sometimes we had to face problems. We never discriminated between a boy and a girl. It is a tradition to tie neem leaves on doors when a baby boy is born, but we followed this tradition on Sudeep's birth also. If girls are given the opportunity and support, they can also touch the peaks. सुखदीप की मदर ने उसके बचपन के बारे में बताया, उसके बचपन के दिनों के बारे में बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आती थी, हर स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ में वो सबकी फेवरेट थी। घर में उसको सब लाइक करते थे, लेकिन कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते थे कि वो ये प्रोफेशन क्यों चूज़ कर रही है। इसके लिए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्योंकि लड़के और लड़की में डिफरेंस समझा जाता था, वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये एक ट्रेडिशन होता है कि जब भी बेबी बॉय पैदा होता है तो हमेशा घर के डोर के ऊपर नीम लीव्स बांधे जाते हैं, लेकिन यही ट्रेडिशन उनके पेरेंट्स ने सुखदीप के लिए यूज़ किया था और नीम लीव्स बांधे थे अपने ही डोर पर। तो ऐसे ही लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो भी आसमान छू सकती हैं। सुखदीप की मदर ने कहा लड़कियों को भी लड़कों जैसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? Now next, we have a question. What would you like to become when you grow up? So you can answer this question yourself. So my answer is, I want to become a doctor when I grow up. Now next, during her flight at daytime, the clouds appeared like cotton to Sukhdeep. Imagine what could be seen in the sky at night. You can stand on the rooftop of your house on a clear night and imagine. Sukhdeep ko cotton ki tarah lag rahe the clouds. Aap hi imagine kar sakte ho ki aapko kaisa lagega clouds ke beech mein. अभी एक्टिविटीज स्किप करेंगे। नेक्स्ट है, वी हैव टॉक्ड अबाउट एयर एंड रोड ट्रैवल। ट्रैवलिंग मींस गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हैव यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी द हिल्स? आपने कभी हिल्स देखे हैं? हाउ डिड यू ट्रैवल, ऑन फुट और बाय एनी व्हीकल? आप कैसे जाओगे, ट्रैवल करके, पैदल चल के या फिर किसी व्हीकल के ऊपर? क्लाइंबिंग द माउंटेन्स और हिल्स विदाउट एनी व्हीकल इज कॉल्ड माउंटेनिंग। माउंटेनिंग होता है कि माउंटेन और हिल्स के ऊपर बिना व्हीकल के चढ़ना। बिचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे इंडिया में पहली औरत थी बिचेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट की पीक ऊपर चढ़ गई थी, क्लाइंब किया था उसने बिना किसी व्हीकल के, और पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ वुमेन थी। बिचेंद्री पाल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। शी क्लाइंब द हाइट ऑफ 4000 मीटर अलोंग विद हर फ्रेंड्स। She did not climb this height with any planning. Actually, she went for a picnic organized by school. She started climbing with her friends and kept on climbing. It was late in the evening and was not possible for them to reach back. They had no arrangement for stay. That night, they had to stay without any tent and food. After that, she took proper training in mountaineering and फॉर द तिरंगा ऑन माउंट एवरेस्ट टू मेक इंडिया प्राउड इन द वर्ल्ड। बिचेंद्री पाल पहली बार 12 साल की एज में वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चली गई थी। 4000 मीटर तक उसने कवर कर ली थी डिस्टेंस अपने फ्रेंड्स के साथ। उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी, वो एक्चुअली वहां पे स्कूल पिकनिक के लिए गई थी। वहां पे उसने चढ़ना स्टार्ट किया, इवनिंग का टाइम था, वो वापस भी नहीं जा सकते थे, उनको बिना फूड और बिना टेंट के वहां पे रहना पड़ा। कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी। बाद में उसने इसके बारे में ट्रेनिंग ली माउंटेनिंग की और फिर वहां पे पहुंच कर तिरंगा लहराया था ताकि इंडिया प्राउड करे। नेक्स्ट, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बिचेंद्री पाल। Gagan's teacher was writing something on being asked by Gagan. He replied, I am preparing to take you all for picnic. Prabhjot asked her, what is there to write? Said, before doing any work, it is good to plan it in writing. You have just now listened to Bichendri Pal's childhood story. So I have prepared a list of words to be done and things needed. Gagan saw the list, which included permission from principal, selection of a place, eat tables to be taken, a rug for sitting, first aid kit, some common medicines and bandages.
गगन के टीचर कुछ लिख रहे थे, तो गगन ने पूछा उनसे कि वो क्या लिख रहे हैं। तो टीचर ने बताया वो प्रिपरेशन कर रहे हैं पिकनिक पे जाने की, इसलिए वो तैयार कर रहे हैं कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए वहां पे जाने के लिए, कौन कौन सी चीज की जरूरत है, वो प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें लिखा था कि प्रिंसिपल से परमिशन, सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, प्लेस सिलेक्ट करना है, खाने के लिए कौन सी चीज चाहिए, सिटिंग के लिए क्या जगह चाहिए, और फर्स्ट एड, कॉमन मेडिसिन और बैंडेजेस भी चाहिए। एज पर द प्लान ऑल स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक, एंजॉयड एंड लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। हैव यू एवर एंजॉयड अ पिकनिक? इफ यस, देन राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन अ नोटबुक। आप भी कहीं पिकनिक पे गए हो तो आप भी अपनी नोटबुक में लिखिए। थिंग्स टू रिमेंबर, देर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ब्लाइंड यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेस क्रिएट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकल बर्डन बट आर सराउंडिंग्स ऑल्सो गेट पोल्यूटेड ड्यू टू इमिशन ऑफ पॉइजनस स्मोक रिलीज बाय द व्हीकल। प्लेन्स आर यूज टू ट्रेवल अबाउट, टू क्लाइंब ओवर अ माउंटेन विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड माउंटेनिंग। नाउ लेट्स डू बुक वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स। Coal, petrol and gas are formed due to dash and dash of earth, heat and pressure. Second, burning of coal produces energy. Third, Sukhdeep Kaur was a dash pilot. Fourth, the sources of energy are dash limited. Fifth, the mountain trackers are called dash mountaineers. Now, let's do question answers. First, who was Bachendri Pal? So answer is Bachendri Pal was the first Indian woman who climbed the peak of Mount Everest. Second, how are petrol, diesel and LPG formed under the earth? So answer is, millions of years ago, animals and trees got buried under the earth. Due to heat and pressure of earth, these got turned into petrol, diesel and LPG. Question, who was Sukhdeep? What did she want to be in her childhood? So answer is, Sukhdeep Kaur was the first woman pilot from Punjab. She wanted to be a pilot in her childhood. Next, how can we control air pollution caused by petrol and diesel? So answer is, first, we should turn the engine off when we stop for long at red light. Second, do not use vehicles while going to nearby. Third, use public transport instead of private vehicles. Fourth, get the vehicle serviced at appropriate time. Next, ninth, what is mountaineering? So answer is, climbing the mountains only on foot is called mountaineering. So we have done this lesson. Thank you so much for watching.